हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारा मिशन AFO 2019-20 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 अपलोड किया गया था, जिसमें KCC के बारे में डिस्कस किया था, और आज हम बात करेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की, दैट इज़ NFSM। ये इसका लोगो है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट brainengineers.in पे भी जा सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से भी आप जो है मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF वगैरह हर वीडियो का। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वाज लॉन्च इन 2007-08 to increase the production of rice, wheat, pulses by 10.82 million ton respectively by the end of 11th 5-year plan। तो पहले जो 11th 5-year plan में किया गया था, 2007-08 में जो है ये स्कीम स्टार्ट की गई थी, तो 11th 5-year plan का जो टारगेट था उसमें 10 मिलियन टन जो है इंक्रीज़ करनी थी राइस की प्रोडक्शन, 8 मिलियन टन इंक्रीज़ करनी थी वीट की, और 2 मिलियन टन करनी थी पल्सेस की, जो कि अचीव किया गया था टारगेट। उसके बाद 12th 5-year plan की बात करें तो उसमें जो है थोड़ा इंक्रीज़ किया गया, एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ 25 मिलियन टन, जिसमें 10 मिलियन टन थी राइस की, 8 मिलियन टन वीट की, 4 मिलियन टन हमारे पल्सेस की, और उसमें 3 मिलियन टन जो है ऐड किया गया था कोर्स सीरियल की प्रोडक्शन को। ओके, तो इसमें जैसे पल्सेस की बात करें, 2 से 4 मिलियन टन कर दिया गया था, और साथ में 3 मिलियन टन इंक्रीज़ करनी थी कोर्स सीरियल की प्रोडक्शन, और ये टारगेट भी कंप्लीट किया गया था। उसके अलावा अभी नया टारगेट जो है 2019-20 के लिए, उसमें क्या है, 13 मिलियन टन की एडिशनल प्रोडक्शन करनी है, जिसमें 5 मिलियन टन होगी राइस की, ओके, 3 मिलियन टन होगी वीट की, 3 मिलियन टन होगी पल्सेस की, और 2 मिलियन टन होगी कोर्स सीरियल की। तो ये टारगेट है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये अभी जो है प्रेजेंट का जो है डाटा है, और इसे याद जरूर कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आगे अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें NFSM के, तो सबसे पहले क्या है, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ राइस, वीट, पल्सेस एंड कोर सीरियल्स थ्रू एरिया एक्सपेंशन एंड प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट। दो चीज़ें हैं, एक तो एरिया एक्सपेंड कर सकते हैं, दूसरा प्रोडक्टिविटी एनहांस कर सकते हैं, ताकि राइस, वीट, पल्सेस और कोर सीरियल तो इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज की जा सके। दूसरा क्या है, टू रिस्टोरिंग सॉयल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी एट द इंडिविजुअल फार्म लेवल। तो सॉयल की फर्टिलिटी इंक्रीज करनी है, और प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी क्या है, फर्टिलिटी बताती है हमें न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ द लैंड। ओके, न्यूट्रिएंट स्टेटस बताता है फर्टिलिटी, और प्रोडक्टिविटी क्या है, ये होती है हमारी प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया। ओके, प्रोडक्शन और यील्ड कर बोल सकते हैं हम, यील्ड पर हेक्टेयर, पर एकड़, पर यूनिट एरिया, कुछ भी बोल सकते हैं, तो इस चीज़ को भी आप समझ लीजिए। थर्ड पॉइंट है, एनहांसिंग द फार्म लेवल इकोनमी टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस अमंग द फार्मर्स। तो इसमें क्या है कि फार्म लेवल पे जैसे इंडिविजुअल फार्मर की जो है जो उसका जो प्रॉफिट इंक्रीज करना है, ताकि उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो सके, और टोटल जो है इकॉनमी है इंडिया की, उसे जो है बढ़ाया जा सके, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है बैकबोन है, एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इंडियन इकॉनमी। ओके, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट, और इस चीज़ को इस स्कीम में, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में कवर किया गया है। आगे देखें इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में चार चीज़ें हमने शुरू से पढ़ रहे हैं, राइस, वीट, पल्सेस और कोर्स सीरियल, और इसे ये नाम दिया गया NFSM राइस, NFSM वीट, NFSM पल्सेस और NFSM कोर्स सीरियल्स। ओके, तो इसमें कौन कौन से, कितनी डिस्ट्रिक्ट में, कितनी स्टेट में कवर किया गया है इसे, वो चीज़ यहाँ पे लेके आए आपके लिए। तो राइस को 194 डिस्ट्रिक्ट और 25 स्टेट्स, वीट 126 डिस्ट्रिक्ट और 11 स्टेट्स, पल्सेस 638 डिस्ट्रिक्ट और 29 स्टेट्स, एंड कोर्स सीरियल 265 डिस्ट्रिक्ट और 28 स्टेट्स। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान से पढ़िए, और ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था, और इस बार भी पूछने के चांसेस पूरे हैं। ओके, तो इस स्लाइड को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे NFSM में और क्या क्या इंक्लूड किया गया है, क्या क्या अचीव किया गया है, उसके बारे में देखें। तो सबसे पहले ब्रीडर सीड प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, तो
सीड प्रोडक्शन की, पल्सेस के सीड प्रोडक्शन की इंक्रीज करना है। दूसरा, सीड हब्स बनाई गई हैं, 150 सीड हब्स इंडिया में पूरे, और आगे सप्लाइंग ऑफ मिनी किट्स ऑफ पल्सेस सीड वैराइटीज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फार्मर्स को क्या किया गया है, मिनी किट्स प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें क्या है, डिफरेंट जो क्रॉप्स के, वेजिटेबल क्रॉप्स के सीड्स हैं और पल्सेस के सीड्स हैं, एक्चुअली पल्स क्रॉप के सीड जो है फ्री ऑफ कॉस्ट की किट जो है प्रोवाइड की गई है। आगे कंडक्टिंग द डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्ट करनी है, जिसके थ्रू फार्मर्स को बताया जा सके कैसे उसे अपना जो है इकॉनमी इंक्रीज करनी है, न्यूट्रिएंट्स कैसा यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, कितनी डोज में यूज़ करना है, कैसे सब मेंटेन करना है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे एक। इसके अलावा क्रिएट ए बफर स्टॉक ऑफ पल्सेस टू कंट्रोल फ्लक्चुएशंस ऑफ प्राइस ऑफ पल्सेस। तो टोटल जो पल्सेस की प्रोडक्शन जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, तो सब चीज़ें जो इस यहाँ पे आई है वो पल्सेस के बारे में ही आई है, और पल्सेस की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा जैसे इंडिया में यूज़ किया जाता है इनका। तो उसमें क्या है कि बफर स्टॉक ये क्रिएट करेगी गवर्नमेंट, जिसमें क्या है प्राइस फ्लक्चुएशन कंट्रोल होगी, क्योंकि अगर शॉर्टेज आ रही है मार्केट में पल्सेस की, तो वो स्टॉक जो है निकालेगी गवर्नमेंट और उसका प्राइस जो है वो जो है दोबारा से कंट्रोल में आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें कुछ NFSM में और ऐड की गई थी, और इन्हें भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, और याद कर लीजिए ये चीज़ें। इसके अलावा अगर और कोई क्वेरी हो आपकी NFSM के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका आंसर जरूर प्रोवाइड करेंगे। और वीडियो को अच्छे से देखिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी वीडियोस मिल सकें, और इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको हर वीडियो का जो है लिंक मिल जाएगा, ताकि ईजिली आप वो वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमें brainengineers.in पे जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे, वहाँ भी आपको इस वीडियो का और सभी वीडियो का PDF फाइल मिल जाएगा, और इन सभी का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ बुक्स का भी हम लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, और बुक्स भी आप ऑर्डर कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, और आपके टोटल जो AFO का अगर टारगेट है आपका, तो उसके लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और आपको उस वहाँ भी ध्यान देना चाहिए। ओके, 2019 और 2020 जो है ये ईयर का जो एग्ज़ाम आ रहा है, उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।